डॉक्टर और नर्स के साथ साथ इस क्षेत्र में ऐसे कई और रोजगार हैं जिसमें ट्रेनिंग लेकर आप एक अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन के इस प्रयास में साथ जुड़े हैं इस देश के कई जाने माने हॉस्पिटल्स, उनमें से एक है मुंबई के माहिम में स्थित टीडी हिंदुजा हॉस्पिटल। हिंदुजा हॉस्पिटल इज 65 years old institution. Over a period of 65 years, this hospital has developed name and fame for not only the quality healthcare delivery, but for education and research. Healthcare Skill Council got developed 4 years back. It was a very good initiative. It is a boon for the healthcare industry that the NSDC created this wing. We worked together in developing several course curriculums, and many of those course curriculums were launched in this hospital. पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में अनेक प्रकार की बीमारियों का विश्व स्तरीय इलाज तो होता ही है और साथ ही उच्च प्रशिक्षण पर भी गौर किया जाता है ताकि भारत में अव्वल दर्जे की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। मेडिसिन के विषय में 25 किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, नर्सिंग में बैचलर और मास्टर्स के कोर्सेज हैं और एलाइड हेल्थ सर्विसेज यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। हिंदुजा हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ लैब मेडिसिन है और इस डिपार्टमेंट में 6 सेक्शंस होते हैं। ये 6 सेक्शंस जो है ना, हम ग्रेजुएट्स हु आर आइदर इन जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, हम एक्सेप्ट करते हैं और उनको एडवांस ट्रेनिंग देते हैं लैब टेक्निक्स में, और ये 1 साल का कोर्स है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक के इन कोर्सेज के दौरान ट्रेनीज हर एक डिपार्टमेंट में 2 से 3 महीने बिताते हैं। हफ्ते में 2 दिन थ्योरी सिखाई जाती है और बाकी के दिनों में ट्रेनीज लेबोरेटरी और अन्य जगह पर प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करते हैं। परीक्षा के वक्त उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोहरे मापदंडों पर जांचा जाता है। यहाँ बच्चों को बेसिकली जब वो क्लिनिकल लैब में थ्योरी जब पढ़ के आते हैं तो हम इनको फिर यहाँ पर प्रैक्टिकली वो टेस्ट जब कैसे किए जाते हैं, कैसे उनके रिजल्ट्स दिए जाते हैं, टेस्ट देने के बाद उनको वो रिजल्ट्स देने हैं तो रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं कि नहीं, वो सब सिखाया जाता है। हम लोग उनको पूरी अपनी पर्सनल सेफ्टी भी दिखाते हैं ताकि उनको कोई इंजरी या उनको कोई इन्फेक्शन लैब की तरफ से ना लगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर डायनामिक प्राइम मिनिस्टर, the country has taken 2 new initiatives. One is Make in India and Skill India. I think this initiative of getting our own talents trained in a good tertiary care setup under the guidance of bodies like NSDC, HSSC is a very good endeavor which will ensure and fulfill the dream of Make in India.